हिंदी में लिंग कहते हैं। ये नाउन लेसन से लिया गया है, नाउन यानी संज्ञा। इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने संज्ञा के बारे में जाना, नाउन के बारे में डिटेल में समझा है। हमने ये भी जाना कि नाउन कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और यहां तक कि हमने एक वीडियो लेक्चर में जेरंड के बारे में भी समझा। जेरंड जिसे हिंदी में क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। आज हमारा फोकस है जेंडर्स पे। जितने भी वर्ड्स नाउन में दिए जाते हैं, जो भी वर्ड नाउन है वो भी किसी न किसी जेंडर से बिलोंग करता है। तीन जेंडर हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन मतलब पुल्लिंग, फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग, और न्यूट्रल मतलब नपुंसकलिंग। अब देखिए, सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर की बात करते हैं, पुल्लिंग। इट डिनोट्स अ मेल, यह पुरुष जाति का बोध कराता है। तो ऐसे वर्ड आपके सामने हैं, एग्जांपल्स बॉय, बॉय मतलब लड़का, ये एक पुरुष जाति का बोध कराता है। अंकल, अंकल क्या है, एक पुरुष है। ब्रदर यानी भाई क्या है, एक पुरुष है। सन बेटा क्या है, एक पुरुष है, पुरुष जाति का बोध कराता है ये वर्ड। टाइगर डॉग ये क्या है, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ये मैस्कुलिन जेंडर नाउन है। अगर मैं कहूं एक्टर, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, कई एक्टर्स हैं, एक्टर क्या है, ये पुरुष जाति का बोध कराने वाला एक वर्ड है एक्टर। फादर यानी पिता, ये भी एक पुरुष जाति का नाउन है, एक पुरुष जाति का वर्ड है, संज्ञा है। इसी तरह से फेमिनिन जेंडर, इट डिनोट्स अ फीमेल, यह स्त्री जाति का बोध कराता है। एग्जाम्पल है गर्ल, आंट, आंट मतलब आंटी, सिस्टर, डॉटर, टाइग्रेस। हम पुरुष जाति में हम कहते हैं टाइगर, उसी तरह से स्त्री जाति में हम कहते हैं टाइग्रेस। इसी तरह से फीमेल डॉग, देखिए डॉग मतलब कुत्ता, वो तो एक पुरुष है, पुरुष जाति का बोध कराता है। फीमेल डॉग ये स्त्री जाति का बोध कराती है, फीमेल डॉग जिसे हम कुतिया कहते हैं। कई लोग, या मैं कहूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम कुतिया को बिच भी कहते हैं, BITCH, बिच। लेकिन देखिए, बिच का यूज जब आप करते हैं तो ये गाली की तरह लगता है, तो इसे थोड़ा सभ्य भाषा में फीमेल डॉग कहा जाता है। तो आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, वर्ड कॉम्बिनेशन है फीमेल डॉग, इसका मतलब सीधा है कि वो एक स्त्री जाति की का कुत्ता है ना, स्त्री जाति। इसी तरह से देखिए, तीसरा जेंडर है न्यूट्रल जेंडर, जिसे हम कहते हैं नपुंसकलिंग। इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, यह निर्जीव चीजों का बोध कराता है। निर्जीव चीजें आपके सामने बहुत सी हैं, किसी भी निर्जीव चीज का नाम ले लीजिए, बुक, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, चेयर, टेबल, कार, बाइक, एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स एज सच, ये सभी न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। अब देखिए, एक स्लाइड आपके सामने है जिसमें लिखा है अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले। पहले क्या होता था, तीन अलग अलग जेंडर्स में माना जाता था, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल। बाद में इंग्लिश में कहा गया कि दो ही जेंडर हैं, एक है कॉमन और एक है न्यूट्रल। कॉमन में आएंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन, और न्यूट्रल एक अलग जेंडर है जिसमें निर्जीव आएंगे, नॉन लिविंग। लिविंग के लिए कॉमन जेंडर, नॉन लिविंग के लिए न्यूट्रल जेंडर। पर कुल मिला के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई भी वर्ड जो एक नाउन है, और नाउन क्या है ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने डिटेल में समझा है। कोई भी वर्ड जो एक नाउन है वो तीन में से किसी एक जेंडर में होगा, या तो वो मैस्कुलिन जेंडर है, या फेमिनिन जेंडर है, या फिर वो न्यूट्रल जेंडर है।